हेलो ऑल माय व्यूअर्स एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हम गूगल फॉर्म की हेल्प से सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट करा सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि हमें सबसे पहले क्या करना होगा। सबसे पहला स्टेप होगा हमारा टीचर्स के लिए कि टीचर अपने क्वेश्चन पेपर को गूगल फॉर्म पर कैसे अपलोड करेगी। सेकेंड स्टेप होगा हमारा स्टूडेंट्स के लिए कि स्टूडेंट्स अपनी हैंड रिटन आंसर शीट को गूगल फॉर्म पर कैसे अपलोड कर पाएंगे। थर्ड स्टेप होगा अगेन हमारे टीचर्स के लिए कि टीचर्स उन अपलोडेड आंसर शीट को कैसे चेक कर पाएगी और उन सबके रिस्पॉन्सेज को एक स्प्रेडशीट पर कैसे देख पाएगी। तो चलिए ये देखने के लिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो सबसे पहले मैं गूगल फॉर्म की हेल्प से एक क्विज क्रिएट करूँगी। एक गूगल फॉर्म से एक अपना सब्जेक्टिव टाइप एक पेपर क्रिएट करूँगी। उसके लिए हमें यहाँ पर ब्राउज़र ओपन करना है। ब्राउज़र ओपन करने के बाद मैं यहाँ पर इन 9 डॉट्स पर क्लिक करूँगी और अपने ड्राइव ओपन करके एक नया गूगल फॉर्म पेज ओपन कर लूँगी। ये सारे स्टेप्स को आप अपने फ़ोन पर भी फॉलो करके अपने फॉर्म को क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ न्यू बटन पर जाना है और आपको यहाँ गूगल फॉर्म पर क्लिक करना है। एक नया गूगल फॉर्म का पेज आपके सामने विजिबल हो जाएगा। अगर आपको देखना है कि हम कैसे फॉर्म क्रिएट करते हैं, अपने ऑनलाइन क्लास के लिए क्विज कैसे क्रिएट करते हैं, तो उसके लिए एक वीडियो मैंने अपलोड किया है जिसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया। आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक अपना सब्जेक्टिव टाइप पेपर क्रिएट करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं अपने फॉर्म का एक टाइटल दूंगी। तो फॉर्म का टाइटल मैं दे देती हूँ सब्जेक्ट का नाम, जिस सब्जेक्ट के लिए मैं यहाँ पर पेपर अभी बना रही हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं लिख देती हूँ सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम क्वेश्चन 1। नाउ आई विल ऐड द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लिखूंगी यहाँ पर स्टूडेंट का नाम, क्योंकि सबसे पहले हम अपने स्टूडेंट के नेम से ही स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले स्टूडेंट अपना नाम ही यहाँ पर एंटर कराए। इसको मैं रिक्वायर्ड फील्ड सेट करूंगी। इससे क्या फ़ायदा होगा कि बच्चा अगर स्टूडेंट नेम नहीं लिखेगा तो उसका फॉर्म पेज सबमिट नहीं होगा, जिससे कि हमें हमारे फॉर्म पेज में कोई एरर नहीं आएगी। बहुत बार क्या करते हैं, स्टूडेंट भूल जाते हैं और हमें फिर आइडेंटिफाई करना डिफ़िकल्ट हो जाता है कि ये किसका पेपर था। उसके बाद मैं यहाँ पर क्लास एंड सेक्शन भी एंटर करा सकती हूँ। आप रोल नंबर के लिए भी एक क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट होगा मेरा रोल नंबर के लिए। चलिए, तो 3 क्वेश्चन मेरे यहाँ पर ऐड हो गए हैं। क्वेश्चन मीन्स 3 मेरे कॉलम मैंने यहाँ बना लिए हैं फॉर द स्टूडेंट्स पर्सनल डिटेल को कलेक्ट करने के लिए। तो रोल नंबर के लिए भी हम शॉर्ट आंसर यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको भी मैं रिक्वायर्ड फील्ड एज अ सेट कर दूंगी। चलिए, अब हम क्रिएट करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, जहाँ पर मैं अपने स्टूडेंट से सब्जेक्टिव टाइप पेपर को कलेक्ट करूँगी। उसके लिए मैं एक नया सेक्शन क्रिएट कर लेती हूँ। नया सेक्शन क्रिएट करने के लिए आपको इस ऑप्शन को यूज़ करना है, ऐड सेक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 सेक्शन हमारे बन गए हैं ऑटोमेटिकली। 1 of 2 ये फर्स्ट सेक्शन है, 2 of 2 ये सेकंड का सेकंड ऑप्शन है। मींस 2 टोटल सेक्शन है और इसका ये सेकंड सेक्शन पर हम काम करेंगे। इसका हेडिंग मैं दे देती हूँ सब्जेक्टिव टाइप पेपर, दैट इज योर चॉइस। आप यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं यहाँ पर रोल नंबर वाले कॉलम को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, ये ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। इसको मैं ऊपर वाले सेक्शन में ही शिफ्ट करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पर इसको ड्रैग कर दूंगी। चलिए, अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन ऐड करने के लिए कि मैं क्वेश्चन ऐड करूँगी। यहाँ पर क्वेश्चन ऐड करने के लिए आपको सेम इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना क्वेश्चन टाइप करेंगी। तो मैं यहाँ पर क्वेश्चन टाइप कर देती हूँ, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल सरी। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि मैंने यहाँ पर हेडिंग लिखी है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, क्योंकि यहाँ पर अब मैं एक फाइल अपलोड करने वाली हूँ। अब जो टीचर्स फाइल अपलोड करेंगे क्वेश्चन पेपर की, वो एक पिक्चर के फॉर्मेट में, मीन्स जेपीईजी एक फाइल होगी जो टीचर्स अपने यहाँ पर अपलोड करेंगे। अगर टीचर चाहती है कि वो कोई फाइल अपलोड ना करे, वो सारे क्वेश्चंस यहीं पर टाइप कर दे, तो वो यहाँ पर ही सारे क्वेश्चंस को टाइप कर सकती है इजीली। अपने अगर उसके कम क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन ही है, तो वो सारे क्वेश्चंस को यहीं पे टाइप कर सकती है। बट मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगी कि हमने एक क्वेश्चन पेपर क्रिएट किया है और उसमें मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसकी एक पिक्चर को मैं अपलोड कर दूंगी, जिससे कि स्टूडेंट वहाँ देख पाएँ और उसके आंसर्स लिख पाएँ। तो एज अ पिक्चर अपलोड करने के लिए अपने क्वेश्चन पेपर को मुझे इस ऑप्शन पे यहाँ पर क्लिक करना होगा, जो पिक्चर आइकन की तरह बना हुआ है। अब वो फाइल आपकी कहाँ पर अपलोडेड है वो आप देख सकते हैं। गूगल ड्राइव में है, फोटोज़ के कॉलम में है, और अगर आप चाहते हो कि आपकी वो फाइल
आपके लैपटॉप में कहीं सेव है तो आप ब्राउज पे क्लिक करिए। अगर आप फ़ोन से बना रहे हैं अपना फॉर्म तो आप डायरेक्टली कैमरे पे क्लिक करके डायरेक्टली उसी टाइम पे आप फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे। मैं यहाँ ब्राउज पे क्लिक करूँगी। डेस्कटॉप पर मेरी वाली फ़ाइल अपलोड है जिसको मुझे यहाँ पर, ये मेरी JPG फाइल है। JPG फाइल का मतलब है कि एक फ़ोटो है और इसको मैं यहाँ ओपन करा के अपलोड करा दूँगी। अब आप देखेंगे कि वो वाली फ़ाइल मेरी यहाँ पर अपलोड हो गई है और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इस क्वेश्चन को देख पाएंगे। अब आप चाहते हो कि आपके स्टूडेंट यहाँ पर जो पेपर अपलोड करें वो हैंड रिटन आंसर शीट अपलोड करें, तो उसके लिए आपको एक सेटिंग को अपने फॉर्म में चेंज करना होगा। और वो सेटिंग क्या है, आपको यहाँ मल्टीपल चॉइस की जगह पर क्लिक करना है फाइल अपलोड पर। जैसे ही आप फाइल अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा जिसको आपको कंटिन्यू क्लिक करना है। कंटिन्यू क्लिक करेंगे उसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे कि आपके पास यहाँ पर तीन कुछ ऑप्शंस आए हैं जिसको हमें सेट करना है अकॉर्डिंग टू आवर सेटिंग। अब हमारा फर्स्ट ऑप्शन है कि किस तरह की फाइल्स आप चाहते हैं कि स्टूडेंट अपलोड करे, तो यहाँ पर मैं इसको ओपन करके देख लूँगी कि स्टूडेंट्स किस तरह की फ़ाइल को अपलोड कर पाएँ। इमेज फाइल, डॉक्यूमेंट फाइल, PDF फाइल, आप चाहते हैं तो सबको सेलेक्ट कर दीजिए, लेकिन मेरे स्टूडेंट्स इमेज फाइल ही मोस्टली अपलोड करेंगे क्योंकि जब वो एक पेपर पे आंसर लिखेंगे तो उसका फोटो क्लिक करके ही वो यहाँ अपलोड करेंगे। नेक्स्ट, मेरी मैक्सिमम नंबर ऑफ फाइल साइज क्या होनी चाहिए, बच्चे कितनी फाइल अपलोड कर पाए, तो मैं यहाँ 5 कर देती हूँ। मैक्सिमम फाइल साइज की वो कितन जो फाइल का साइज है जो अपलोड करने वाले हैं कितना ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पे 10 MB मोर देन इनफ है क्योंकि जो JPG फाइल का साइज होता है वो 3-4 MB से ज़्यादा नहीं होता। अब आप यहाँ पर एक और ऑप्शन है जिसकी सेटिंग को आपको ज़रूर करना है। आपका ये जो फॉर्म आप बना रहे हो, इस फॉर्म को देखेंगे तो ये पूरे फॉर्म 1 GB से ज़्यादा फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर आपके मतलब 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट्स हैं और 100 स्टूडेंट्स ने, सारे स्टूडेंट्स ने फाइल अपलोड की, लेकिन जैसे ही 60 स्टूडेंट ने फाइल अपलोड करी और आपका जो आपने फाइल लिमिट रखी है यहाँ पर 1 GB की, वो क्रॉस हो गई 60 स्टूडेंट्स के अपलोड करते ही 1 GB आपका कंप्लीट हो गया। तो जैसे ही 61 वाला स्टूडेंट अपनी फाइल अपलोड करने की कोशिश करेगा तो उसके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आप फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा, क्योंकि इसकी लिमिट 1 GB ही थी। तो आपको ये ध्यान रखना है, वैसे 1 GB बहुत ज़्यादा होती है लिमिट, लेकिन देन ऑल्सो फॉर द सेफर साइड आप इसकी लिमिट को चेंज कर सकते हैं। 10 GB, 100 GB, 1 TB, यू हैव लॉट ऑफ स्पेस फॉर दैट। मैं यहाँ 10 GB रख देती हूँ। दूसरी सेटिंग आप यहां से करेंगे, रिक्वायर साइन इन, मीन्स बच्चा एक ही बार इस फॉर्म को ओपन करके टेस्ट कंडक्ट करे, दोबारा ना ओपन कर पाए, और इसको हम यहां सेव कर देंगे। उसके बाद आपको अब इस फॉर्म को अपने स्टूडेंट को शेयर कराना है, तो शेयर कराने के लिए आप कोई भी फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करिए, अपनी जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, जूम, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स या फिर गूगल मीट, आप उसके चैट बॉक्स में इस लिंक को शेयर कराएं। अब इस लिंक को कैसे शेयर कराना है, आपको यहाँ सेंड बटन पर क्लिक करना है, इस वाले आइकन पर क्लिक करना है जो बीच में है। इस लिंक को आपको कॉपी कराना है उसके सब आपके अपने प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे भी आप अपना ऑनलाइन टेस्ट लेना चाहते हो। इस लिंक को आप छोटा भी कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन दिस शॉर्टेन URL, और इसको कॉपी कर लीजिए। यहाँ पर कॉपी करने के बाद अब मैं तो इसको एक मेल के थ्रू अपने एक स्टूडेंट को शेयर कराऊंगी, और आपको ये भी दिखाऊंगी अब कि स्टूडेंट की साइड पर ये फॉर्म किस तरह से विजिबल होगा और स्टूडेंट कैसे अपना क्वेश्चन आंसर शीट को अपलोड कर पाएगा। तो चलिए देखते हैं अब स्टूडेंट की डिवाइस पर कि वो कैसे अपलोड कर पाएगा। चलिए अब आ गए अपने स्टूडेंट के डिवाइस पर, जहाँ पर स्टूडेंट अपना फॉर्म को फिल करके अपने क्वेश्चन पेपर को आंसर शीट को अपलोड करेगा। यहाँ पर मैं स्टूडेंट का नाम लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं स्टूडेंट का क्लास और सेक्शन एंटर करती हूँ, यहाँ पे उसका रोल नंबर, एंड देन आई क्लिक ऑन द नेक्स्ट बटन। यहाँ पर स्टूडेंट को इस तरह से उनका पेपर विजिबल होगा, वो आंसर क्वेश्चंस देखेगा यहाँ से और अपनी आंसर शीट पे आंसर लिख देगा। अब उसको आंसर लिखने के बाद अब वो अपलोड कैसे करेगा, तो डायरेक्टली आप जो अगर स्टूडेंट फ़ोन से अगर टेस्ट ले देख रहा है, फॉर्म ओपन कर रहा है, तो उसके लिए तो बहुत ईजी है। उसको डायरेक्टली क्या करना है, ऐड फाइल पर क्लिक करना है। ऐड फाइल पर क्लिक करने के बाद उसे सेलेक्ट करना है सेलेक्ट फाइल्स फ्रॉम योर डिवाइस पर। उसके बाद उसे क्लिक करना है कैमरा ऑप्शन पर। कैमरा ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली वो अपने
आंसर शीट की फोटो क्लिक करेगा यहाँ से। उस फोटो को क्लिक करने के बाद उसके पास ये ऑप्शन आ जाएगा, उसे टिक बटन पर क्लिक करना है और उसको यहाँ पर अपनी फाइल को अपलोड कर देना है। उसकी फाइल अपलोड हो चुकी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं उसकी फाइल यहाँ पर अपलोड हो चुकी है और अब वो अपना टेस्ट को यहाँ पर सबमिट कर देगा। अगर उसको और फाइल अपलोड करनी है, एक से ज़्यादा फोटो अपलोड करनी है, तो दोबारा से वो ऐड फाइल पे क्लिक करेगा, फोटो क्लिक करेगा और दोबारा से अपलोड कर देगा। अब मैं यहाँ सबमिट कर देती हूँ, अब उसको उसकी स्क्रीन पे विजिबल होगा कि यू हैव रिस्पॉन्डेड एंड योर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिसीव टू द टीचर। अब मैं टीचर के फॉर्म पेज पे जाती हूँ और देखती हूँ कि टीचर को उसका रिस्पॉन्स मिला है कि नहीं मिला है। देखेंगे आप यहाँ पर रिस्पॉन्स, तो यहाँ पर उस बच्चे का रिस्पॉन्स आ गया है, उसका रोल नंबर, क्लास, सेक्शन और जो फाइल उसने यहाँ पर अपलोड किया। अभी मैं दिखाऊंगी इसको हम कैसे ओपन करेंगे। अब मैं उन स्टूडेंट्स को दिखाती हूँ कि जो बच्चे अपने टेस्ट को कंप्यूटर की हेल्प से ले रहे हैं, क्योंकि फ़ोटो तो फ़ोन से ही क्लिक करेंगे तो उनके लिए भी बहुत ईजी है, बहुत मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। बस उनको क्या करना है, उनको अपने USB केबल से फ़ोन को अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखना है, बस उनको सिर्फ इतना करना है। उसके बाद अब मैं उनको क्या करना है मैं दिखा देती हूँ। मैं अभी यहाँ पर एक ब्राउज़र ओपन कर लेती हूँ एज अ स्टूडेंट, उस लिंक को मैं यहाँ कॉपी करके ओपन कर लेती हूँ एज अ स्टूडेंट, अनदर स्टूडेंट जो लैपटॉप से पेपर दे रहा है। यहाँ पर स्टूडेंट अपना नाम लिख रहा है, यहाँ पर वो क्लास और सेक्शन लिख रहा है, यहाँ पर वो रोल नंबर लिख रहा है और नेक्स्ट पे क्लिक करके अब उसको भी फाइल ऐड करनी है। तो ऐड फाइल करने के लिए उसको क्या करना है, अपने फ़ोन से उसको पहले फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। ऐड फाइल क्लिक करने से पहले उसको अपने फ़ोन से फ़ोटो क्लिक कर लेनी है। उसका फ़ोन ऑलरेडी कनेक्टेड लैपटॉप से, उसको कैसे दिखेगी वो फाइल वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैंने फ़ोटो क्लिक कर ली है अपने फ़ोन से। अब स्टूडेंट यहाँ पर ऐड फाइल पे क्लिक करेगा, जैसे ही वो फ़ोन पे से फ़ोटो क्लिक कर लेगा उसके बाद दोबारा उसको सेलेक्ट करना है सेम सेलेक्ट फाइल। उसको अब जाना है यहाँ पर राइट हैंड साइड में, वो देखेगा ब्राउज ऑप्शन में उसके फ़ोन यहाँ पर कनेक्टेड उसको दिखेगा। तो ये मेरा फ़ोन है जो कनेक्टेड है यहाँ पर Oppo F9 Pro, मैं यहाँ क्लिक कर दूँगी, उसकी स्टोरेज को ओपन करूँगी। स्टोरेज को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको फोल्डर सर्च करना है DCIM। ये हर फ़ोन में यही फोल्डर होता है जिसे हम ओपन करके देखेंगे कि हमारे कैमरे में कौन कौन सी फ़ोटोज़ हैं। DCIM पे मैं क्लिक करूँगी, यहाँ पर अब उसे जाना है कैमरा ऑप्शन पे। कैमरा ऑप्शन पे जो फ़ोटो उसने क्लिक की है उसको नीचे स्क्रॉल करके आना है लास्ट में और वो फ़ोटो उसको यहाँ विजिबल हो जाएगी। ये फ़ोटो मैंने अभी अभी क्लिक की है और ये फ़ोटो मेरे फ़ोन में अब आ गई है। यहाँ पर मैं इसे क्लिक करूँगी, ओपन कर दूँगी और स्टूडेंट ईजिली उस फाइल को यहाँ से अपलोड कर पाएगा, लाइक क्लिकिंग ऑन द अपलोड बटन। तो बहुत मुश्किल नहीं है उनके लिए भी, बस उनको एक USB केबल चाहिए जो उनके फ़ोन से कनेक्ट रहे। अब ये उनकी फाइल अपलोड हो गई है स्टूडेंट की, अब वो यहाँ पर क्लिक कर देगा सबमिट बटन को और उसका टेस्ट सबमिट हो गया है। अब हम जाते हैं वापस से अपने टीचर्स के पेज पे और देखेंगे यहाँ पर रिस्पॉन्स 2 आ गया है। रिस्पॉन्स 2 आने पर दो बच्चों ने दिया है, यहाँ पर आप देख पाओगे इंडिविजुअल देखना है आपको। तो ये पहला बच्चा है जिसका आपको यहाँ विजिबल हो रहा है, ये उसकी फाइल है जो उसने अपलोड की है। दूसरे बच्चे के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस एरो पर और देखोगे यहाँ जो दूसरा बच्चा है उसने भी अपनी फाइल को यहाँ अपलोड किया है नीचे। अब आप चाहते हो इन सब का आपको एक रिकॉर्ड एक एक्सेल शीट में मिल जाए, तो वो आप कैसे करोगे, आप यहाँ पर क्लिक करोगे इस प्लस साइन पर, ग्रीन वाले प्लस साइन पर, आप यहाँ पर अपनी फाइल का नाम दे दोगे। मैं अपनी फाइल का नाम दे देती हूँ GK Class 8A, क्योंकि मैंने उन्हीं के लिए पेपर बनाया और मैं क्रिएट पर क्लिक कर दूंगी। अब वो हमारी एक्सेल फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड, इट्स गेटिंग अपलोडेड। ये वो मेरी फाइल है, एक्सेल शीट है, जहाँ पर मेरे को सारे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मेरे पास मेंटेन रहेगा कि इस बच्चे ने टेस्ट दिया है और उसकी फाइल यहाँ पर अपलोडेड है आपकी ड्राइव में। ये स्टूडेंट का नाम,
ये उसकी रोल नंबर, ये उसका क्लास सेक्शन, ये उसका रोल नंबर और ये वो उसकी फ़ाइल है जो आपके पास अपलोड हो चुकी है, जिसको आप यहाँ से इजीली देख पाओगे। तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, आपकी ड्राइव में स्टोर हो जाएगी। आप अपनी ड्राइव में से इसको अपने कंप्यूटर में भी अपलोड करके यहाँ से बाद में उसको डिलीट भी कर सकते हो, अगर आपको लगता है कि आपकी ड्राइव की स्टोरेज ख़त्म हो रही है। तो आप पहले ड्राइव में जाइए और उसको अपलोड कर लीजिए अपने लैपटॉप में, अपने जहाँ पर भी आप देखना चाहते हो उसको। तो मैं यहाँ पर इसको अभी ओपन कर लेती हूँ, इस फाइल को मैं दिखा देती हूँ कि मेरी बच्चे की फ़ाइल है जिसको मैंने यहाँ पर, जिस बच्चे ने उसको अपलोड किया है, इसकी सेटिंग को यहाँ पर आपको डाउनलोड बटन मिलेगा, मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगी और वो आपके लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगी, देखिए नीचे। तो आप वहाँ से फिर उसको डिलीट भी कर सकते हैं बाद में, जब आपकी सारी चेकिंग हो जाए, आपका सारा काम फिनिश हो जाए, तो आपको ड्राइव में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये मेरा वो स्टूडेंट का रिकॉर्ड है जिसको मैं यहाँ से देख पाऊँगी इजीली, और इस फाइल को मैं यहाँ से अब ओपन कर लेती हूँ जो मैंने अभी अभी डाउनलोड किया अपने कंप्यूटर में। ये वो मेरी फ़ाइल है, इसको मैं रोटेट भी कर लूँगी, इसकी एडिटिंग हम यहाँ से कर लेंगे। ये सारी एडिट के हमारे पास ऑप्शन है, इसमें हम कुछ चेंजेस भी कर सकते हैं। ये मेरा पेन है जिसको यूज़ करके मैं यहाँ पर चेंज कर दूँगी, अगर आपको चेक करना है तो आप कर पाओगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप इजीली कर पाओगे अपने लैपटॉप में जहाँ पर आप चेकिंग कर रहे हो। चलिए, तो वो मेथड आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ कर सकते हैं कि आप इन फाइल्स को कैसे चेक कर रहे हैं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है कि स्टूडेंट और टीचर के लिए ये कितना इजी हो जाएगा सब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम लेना और उनके रिस्पॉन्सेज को गूगल फॉर्म पर ही अपलोड करवा देना। तो आई होप कि सबको ये मेथड बहुत पसंद आया होगा और आप अपने एग्ज़ाम्स में इनको ज़रूर यूज़ करेंगे एज अ टीचर, और स्टूडेंट को भी इसमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होने वाली है। तो चलिए, अगर आपने मेरे पूरे वीडियो को देखा है और आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए अगर आप नए आए हैं मेरे चैनल पे, और एक लाइक बटन को हिट ज़रूर कर दीजिए। अब मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलूंगी। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी एंड बाय।